कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम सभी, घुटनों में दर्द होता है बहुत से लोगों के, खास करके सर्दियों के मौसम में ये बढ़ जाता है, जोड़ों में दर्द जिसे अर्थराइटिस या गठिया कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घुटनों में जो चिकनाई होती है वो ख़त्म हो जाती है, हमारे जोड़ों में चिकनाई होती है जिसकी वजह से हमारा जो अंग है वो सही से मुड़ पाता है, चाहे कोहनी से हाथ मोड़ना हो या घुटनों से पैर मोड़ना हो, कमर हो, इन सभी जगहों पर एक चिकनाई होती है जिसके ख़त्म हो जाने के बाद शरीर में दर्द होने लगता है उठने बैठने और चलने में। तो इसको दूर करने के लिए आज हम सभी बेस्ट घरेलू औषधि के बारे में जानते हैं। अगर घुटनों की चिकनाई खत्म हुई हो तो आपको क्या करना है? जोड़ों के दर्द से किसी भी प्रकार का आराम न मिल रहा हो, दवा खा के परेशान हो, तो ऐसे लोगों को हर सिंगार यानी कि पारिजात जिसे बोलते हैं, इसके पेड़ के 12 पत्तों को ले लेना है और इसको अच्छे से कूट करके एक ग्लास पानी में उबालना है। सबसे पहले लेकिन ध्यान रखें कि धो लेना चाहिए, पत्ते लाइए 12, उसे धो लीजिए अच्छे से। इसके बाद आपको इस पत्ते को तोड़ करके या कूट करके एक ग्लास पानी में उबालना है। जब पानी 1/4 बच जाए तब आपको बिना छाने ही ठंडा करके पी लेना है। 90 दिन में चिकनाई पूरी तरह से वापस बन जाएगी। 90 दिनों तक सुबह सुबह पीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर कुछ कमी रह जाए तो 1 महीने का गैप रख लीजिए, इसके बाद फिर से 90 दिनों तक पी लीजिए। इस क्रम को दोहरा सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। ध्यान से आप इस नियम को सुन लें, क्या करना है? सबसे पहले 90 दिन तक आपको लगातार इसका सेवन करना है। अगर आपका घुटना पूर्णतः ठीक हो जाता है, जोड़ों में दर्द कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर आपको लगता है कि अभी कुछ कमी है, अभी दर्द पूर्णतः नहीं गया है, तो आप 1 महीना तक इसके बाद न लीजिए, 1 महीने का गैप कर लीजिए, फिर वापस 90 दिन तक लगातार इसका प्रयोग कर लीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता है उनके लिए हारसिंगार या पारिजात किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। बुजुर्ग लोगों से बात करेंगे तो वो पहले से ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं इसका। तो जो भाई बंधु या माताएं बहनें अर्थराइटिस से परेशान हैं, घुटनों के दर्द से परेशान हैं, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, उनको ये उपाय अपनाना चाहिए। इसके अलावा चाहें तो आप लहसुन सरसों तेल में पका दें, बिल्कुल इतना पकाएं कि लहसुन जल करके काली हो जाए, उस ऑयल से मालिश भी करते रहें तो और जल्दी रिकवरी होगी। ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने के संबंध में। ये वीडियो आप सभी देख रहे थे आयुर्वेदिक उपचार चैनल के माध्यम से। ऐसी ही नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो जब भी हम लेकर के आए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास लाइक शेयर एंड कमेंट करने का बहुत से लोगों को लाभान्वित कर सकता है। सो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। फिलहाल आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।